अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट समरा शाहिद। आज हम सीखेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। किसी भी चीज़ की अगर हमने रिकॉर्डिंग करनी है तो हम कौन सी ऐप से लेके करेंगे और कौन सी ऐप इसके लिए बेहतरीन रहती है। आइए चलते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, यहाँ पे आ जाते हैं अपने प्ले स्टोर पे आ चुके हैं और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं सर्च बार है। सर्च बार पे हम लिखेंगे ब्लू स्क्रीन रिकॉर्डर। देखें, मैंने सर्च किया तो ऊपर उसने जो है दे दिया हमने ब्लू स्क्रीन रिकॉर्डर। हम देख सकते हैं हमारे पास पहली ऑप्शन आ रही है ब्लू स्क्रीन रिकॉर्डर की, तो हम चलते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारा जो है वो ये यहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन पे पड़ा हुआ वीडियो रिकॉर्डर। तो अब हम जाएंगे इसकी स्क्रीन पे और देखेंगे कि एडिटिंग वगैरह हम किस तरह से कर सकते हैं। हम चले जाते हैं इसकी स्क्रीन पे। हमारे पास पहली ऑप्शन है वीडियो की आइकॉन बना हुआ, ऊपर आप देख सकते हैं। उसके बाद है कैमरा की, कैमरा का आइकॉन बना हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक टूल बॉक्स आइकॉन बना हुआ है, ठीक है। इस पर आपको बेशुमार जो है एडिटिंग के लिए टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहला टूल है एडिटिंग वीडियो का और सेकंड है मर्ज वीडियो एंड इमेजेस का। उसके बाद है वीडियो इम्प्रेशन का, वीडियो कंप्रेशन ये होता है कि अगर आपकी कोई वीडियो है ना बहुत बड़ी है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, उसको आप जो है ना थोड़ा सा उसके साइज़ को छोटा कर सकते हैं, तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है वीडियो GIF, यानी वीडियो को आप GIF के फॉर्म देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो बड़ी सी वीडियो है वो बस GIF बन जाए, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है वाईफाई ट्रांसफ़र, ये वाईफाई के हवाले से है। उसके बाद है एडिट इमेज में होता है कि आप कोई भी इमेज उठा लेते हैं अपनी गैलरी से, उस पर जो है आप एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद है स्टिच इमेज, मतलब कि आपकी कोई दो इमेजेस हैं कटी हुई हैं, जैसे मतलब अलग अलग हैं, उनको आपने स्टिच करना है, स्टिच मतलब जोड़ना, तो उनको आपने इकट्ठा करना है, तो उसके लिए वो इस्तेमाल होता है। हम चलते हैं पहले ऑप्शन में सेटिंग की, ठीक है। सेटिंग में हम देख लेते हैं हमारे पास ऊपर क्या दिया है। सेटिंग में हमारे पास वीडियो सेटिंग क्या ऑप्शन आ जाती है, वीडियो रिजोल्यूशन उसमें पूछी गई है 720, क्योंकि आमतौर पे बहुत अच्छा रिस्पांस देता है और अच्छा जो है आपका जो वीडियो स्क्रीन है वो क्रिएट होता है, बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है उसमें, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है, 720 क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हम चले जाते हैं वीडियो क्वालिटी पर, चूँकि हम साइज़ वगैरह अगर इसको क्लिक करें, अगर हमने साइज़ वगैरह इसमें सेलेक्ट करना हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने क्वालिटी कोई भी हमने सेलेक्ट नहीं करनी। MBPS में हमें नहीं चाहिए, हमें ऑटो रिकमेंडेड में चाहिए, क्योंकि हमारे पास 720 पड़ी हुई है। उसके बाद चले जाते हैं FPS पे, हायर फ्रेम रेट विल मेक वीडियोस स्मूथर बट यूज मोर CPU। इसको आप क्लिक कर सकते हैं, इसमें मतलब जो आपकी और अच्छी आप जा रहे हो FPS में जा रहे हो, स्क्रीन एक बड़ी आप चाहते हो, तो उसके लिए आपने जो है इसमें सेटिंग वगैरह करनी होती है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने ऑटो रिकमेंडेड पे रखा हुआ है। उसके बाद है वीडियो ओरिएंटेशन, जो ओरिएंटेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपने इसको हमेशा ऑटो पे रखना है, क्योंकि ऑटो मतलब जो स्क्रीन आपकी है वो जिस तरह से ऑटो में है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आएगी, ओरिजिनल जिस तरह से है उस फॉर्म में। अगर आप इसको लैंडस्केप में देना चाहते हैं, आप चाहते हैं वीडियो जो है वो आपकी लैंडस्केप में आए, अगर आप चाहते हैं पोर्ट्रेट में आए, तो उसको आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद है रिकॉर्ड ऑडियो, अच्छा रिकॉर्ड ऑडियो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो जो है वो मैंने इसको ओपन किया हुआ है,
डाउनलोड ऑडियो रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड बाय एंड्रॉयड नाउ, ठीक है। तो मेरा ये जो है, मैंने इसको ओपन किया हुआ है कि अलाउ करता है, ये मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद है वीडियो लोकेशन है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आप इंटरनेट स्टोरेज रखना चाहते हैं, एसडी कार्ड रखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने एसडी कार्ड पर रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल मेरी कोई भी वीडियो है मैं, या कोई भी इमेज एडिट कर रही हूँ, कोई भी वीडियो डाल रही हूँ बनाने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि वो एसडी कार्ड में ही इसकी जो स्टोरेज है वो रहे, कि इंटरनल एसडी कार्ड बेहतर रहता है एक्सटर्नल की निस्बत। अच्छा, उसके बाद है इनवर्ट वीडियो कलर, इसको आप अगर कोई भी देना चाहें कलर वगैरह तो आप दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसको अभी हमें ज़रूरत नहीं है। रिपेयर सिस्टम यू आई क्रैश, इसको हम नीचे हटते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल सेटिंग, उसमें रिकॉर्डिंग मोड आप देख सकते हैं, हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है। स्टैंडर्ड मतलब मोड, मतलब एक आपकी अच्छी वॉइस आ रही है जो आपको अच्छा पावरफुल चाहिए, मैं स्टैंडर्ड पर रखा हुआ है, बेसिक्स में मैंने नहीं रखा हुआ, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद है हाइड द रिकॉर्ड विंडो व्हेन रिकॉर्ड, इसका मतलब ये है कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप चाहते हैं कि बार जो है वो ऊपर आपको शो ना हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे फोन से स्टॉप रिकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको सिर्फ सेट करना चाहें तो आप इसको सेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको लगा देते हैं ना, तो अगर आपने स्टॉप करनी है तो आपको यहाँ से बटन क्लिक नहीं करना पड़ेगा स्टॉप का, आप बस अपने फ़ोन को शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वीडियो है वो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद आगे बहुत सारी ऑप्शन आ जाती हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, आपको थोड़े से बेसिक्स बता देते हैं, ठीक है। ये सारे पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी से थीम्स आप यूज़ कर सकते हैं, वाटरमार्क आपने लगाना है नहीं लगाना आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है कि मुझे इसका वाटरमार्क नहीं चाहिए ड्यू स्क्रीन रिकॉर्डर का। उसके बाद ब्रश है, बेशुमार है आगे, इंशाल्लाह आपको किसी